बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी है मेरी। होने लगी से क्या मुराद है आपका? मुझे हमेशा से तुम्हारी फिक्र है, मेरा है ही कौन तुम्हारे अलावा। मैंने एक डीलर से इस घर का सौदा कर लिया। क्या सौदा कर लिया? मगर क्यों? क्यों क्या मतलब? भाई मेरा घर है, मेरा जी चाहेगा मैं यहाँ रहूंगा, मेरा जी चाहेगा मैं उसको भेज दूंगा। दो दिन से तुम्हारी सास बीमार पड़ी हुई है और तुम दोनों को फुर्सत नहीं है कि उसको जाकर जरा एक नजर देख लो। मैं आप लोग की घर की नौकरानी नहीं हूँ, क्या आपके घर के काम भी करूँ? आपकी पागल बेटी की खिदमत भी और अब आपकी मासूर बीवी की भी खिदमत करूँ मैं? वानिया अपनी जबान को लगाम दो। ईमान की फिक्र ना करो, महा उसे देख रही है। कैसी हैं अम्मी आप? तुम ये जहमत ना किया करो। अजीब बात है, पूछो तो मसला, ना पूछो तो मसला, चाहते क्या है आप? तुम ना ही पूछो तो बेहतर। आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं मुझसे? मैंने क्या किया है? ताया आप ताई अम्मी को नाश्ता करवा देंगे? हाँ, जाओ बेटा, अब तुम भी नाश्ता कर लो। जी मैं भी नाश्ता करूंगा, मेरे लिए भी नाश्ता बनाओ। अपनी वाइफ से कहो ना, वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। हम लोगों ने भी अपना नाश्ता खुद ही बनाया। देख रही हैं आप कैसे जबान चलती है इसकी, पता नहीं क्या समझती है खुद को। समझ रही है कि आप बिस्तर पर आ गई हैं तो उसकी क्लास नहीं लेंगी। उसे बुलाएं और समझाएं कि आज के बाद मुझसे इस तरह बात ना करें। क्लास तो मैं लूंगी, लेकिन तुम्हारी बीवी समझती क्या है वो खुद को? मेरे ही घर में रहेगी, मुझी को आंखें दिखाएगी वो? हाँ मैं पूछती हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे अब्बू से बदतमीजी करने की। और तुम शेबी, तुम मुंह में लड्डू डाले खड़े रहे, कुछ बोले नहीं तुम? नहीं, उसने कोई गलत बात नहीं की है भाई। आप लोगों ने मुलाजमा बना दिया उसको, अब इंसान है, थक जाता है, निकल जाता है मुंह से कुछ भी। यानी जो तुम्हारी बीवी ने कहा उसने ठीक कहा कि तुम्हारी माँ माजूर है और बहन पागल? वो बात को गलत रंग दे रहे हैं भाई। उसका मतलब था कि अम्मी के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है, ये चल नहीं सकती बस। लेकिन आप लोगों की तो आदत है असल में बात का पतंगड़ बनाने की। देखा तुमने, चलिए लो नाश्ता करो। आप रखिए मैं खाती हूँ। बेटा जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, उसको जब जाना होता है चली जाती है। दादो आप इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हैं? बेटा ये मायूसी नहीं, यही तो हकीकत है और मैं तुमको यही बताना चाह रही हूँ। तुमसे जब बात करूँ तुम बात को टाल देती। बेटा मेरे पास बहुत कम वक्त है। दादो प्लीज, तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? दादो आपकी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। तो फिर मेरी बात मान लो, बेटा सच्चा और मुखलिस साथी जिंदगी में किस्मत वालों को मिलता है, और फिर शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत के साथ साथ जहनों का मिल जाना भी बड़े नसीब की बात होती है। अब तो इनकार का भी जवाब नहीं, मनु में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो तुम देखना चाहती हो। दादो मैंने इनकार कब किया है? तो इकरार भी तो नहीं किया। जब मैं तुमसे पूछूं तुम वक्त मांग लेती। आखिर कब तक इस मसले के बारे में सोचोगी? सब कुछ तो बिल्कुल सामने है, मनु तो बिल्कुल खुली किताब की तरह। दादो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है इस बात की। वक्त को क्या? दादो फरी का घर टूट रहा है, ताई में बिस्तर पे पड़ी है, क्या सोचेंगे ताया? वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो अपने फराइज पूरे कर चुके हैं, अब मेरी बारी है। आपने बात की है मन्नू से?
वो बहुत सादक मन बच्चा, मैं जानती हूँ वो तुम्हें बचपन से पसंद करता है, मैं तो उसके दिल के अंदर रहती हूँ। कहाँ होगी फरी, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? सुफियान तो मुझसे बहुत प्यार करता था, फिर वो क्यों बदल गया? मेरी बेटी इमान, वो भी तो है उसके साथ, फरी ईमान को क्यों ले गई? वो मेरी बेटी है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, उसने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, मुझसे जुदा किया है, मैं जान से मार दूंगा उसे, जान से मार दूंगा। बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? मैं फरी पर केस करना चाहता हूँ। फरी पर केस? क्यों? उसने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। नहीं सैफी, ऐसा कुछ नहीं है, उसने नहीं छीना है तुमसे, बल्कि वो मजबूरी में गई है, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी ना, और तुम्हारे दोस्त ने तुमसे घर भी खाली करवा लिया था, इन हालात में वो और क्या करती? नहीं, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरी बेटी से नफरत करती है, वो जरूर उसके साथ बुरा सलूक कर रही होगी। सैफी, कोई भी माँ अपनी औलाद के साथ नफरत नहीं कर सकती, वो उसके साथ बुरा सलूक कैसे कर सकती है? फरी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह उससे बहुत मोहब्बत करती है। फरी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो बहुत मारती है उसे, मैं जानता हूँ उसे नफरत करती है। नहीं सैफी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बहन है और कुछ नहीं, परी ईमान का बहुत ख्याल रखती है। अंकल आंटी गए थे ना, देखकर आए हैं उन्हें। क्यों देख रही हो मुझे? क्या देख रही हो? नहीं हूं मैं तुम्हारी मामा, नहीं हूं मैं तुम्हारी मामा, चली जाओ यहां से। ऐसी मां नहीं देखी, अपनी औलाद से इतनी नफरत है, सब कयामत की निशानी है। दादो, वो अभी अपने होश में नहीं है। अरे होश में कैसे नहीं है, हर चीज का तो होश है, खाना पीना बनाओ सिंगार, उस बच्ची को देखती है तो होश उड़ जाते हैं। दादो आप परेशान मत हो, सुबह तक इसका बुखार उतर जाएगा, हल्का सा तो है। माँ ये लो, मैंने इसकी फीडर बना दी। अरे मनु, तुमने क्यों बनाया? मैं बना लेती ना, तुम सुबह से किचन में लगे हो, थक गए होगे। माँ मैंने तो सिर्फ आज काम किया है, असल ख्याल तो तुम रखती हो सबका, दादो अम्मी अपना, यहाँ तक कि दफ्तर और किचन, इनको भी तुम अच्छे से देखती हो, तुम कितना थक जाती होगी ना। आज तो मैंने बहुत आराम किया है। तो फिर खाना किसने बनाया?
मनु, खाना बनाने से किसको थकान होती है? अरे भाई अब ये बहस बंद करो और ये बताओ कि खाना लगाएगा कौन? इसलिए कि मुझे बहुत सख्त भूख लगी। दादू आप ईमान को संभालें, मनु और मैं हम दोनों मिलकर खाना लगाते हैं। हाँ चले। ये ले। वानिया, बात कहूँ? तुम अब तक नहीं बदली हो, वैसे ही हो। क्या तुम्हें अब भी इतना ही शौक है शॉपिंग का, होटलिंग का? बस पसंद ही है, कर तो सकती नहीं। उसने खट्टू शेबी से तो शादी कर ली है मैंने। अरे तुम क्यों परेशान हो रही? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, टेंशन नहीं लो। Oh, really? कसम से, seriously. वैसे थैंक्स गॉड आमिर कि तुम मुझे मिल गए, वरना इन सब चीजों के लिए तो मैं तरस गई थी। घर पे सारा दिन नौकरों की तरह काम करती हूँ, रूखी सूखी खाती थी और फिर सो जाती थी। घर के काम तुम खुद करती हो? हाँ आमिर, मेरी सास ना बड़ी जालिम है, सारे घर के काम मुझसे ही कराती है। तुम उस कैद खाने से निकल क्यों नहीं जाती? निकल जाऊंगी बाज। अच्छा वानिया एक बात कहूँ, मेरा घर आज भी बहुत सोना है तुम्हारे बगैर। मगर आमिर वो तुम्हारा घर है, मुझे अपना घर चाहिए। यार जब मैं तुम्हारा हूँ, मेरी हर चीज तुम्हारी हुई ना, वो घर भी तुम्हारा ही हुआ। तो सच कह रहे हो ना? मैंने उसे समझा दिया, अब वो अंकल से फिट नहीं करेगा। वाओ सारा, तुमने तो कमाल कर दिया। जो बात हम सब ने मिलके उसे समझाने की कोशिश की, जो उसे समझ में नहीं आई, तुमने इतने आसानी से समझा दिया। बस देख लो, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है। मोहब्बत और नरमी से आप पत्थर भी पिघला सकते। हाँ इस बात का एक्सपीरियंस है मैडम मुझे, मैंने एक पत्थर को मोम कर दिया। एक्सक्यूज मी, आपका तजुर्बा बिल्कुल गलत है। मैं कोई पत्थर नहीं थी, हाँ बस रियलिस्टिक थी। कभी कभार इतना रियलिस्टिक होना सख्ती में शुमार हो जाता है। खैर छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करते हैं हम लोग। सारा अपना हाथ दिखाओ। आई फील सो लकी, तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे हाथ मेरे हाथों में। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या वाकई मेरे अलावा किसी लड़की के साथ रोमांस नहीं किया? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने। चलो बता देता हूँ तुम्हें, सारा मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करो। और बिजनेस एस्टैब्लिश करते 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 कभी मैंने सोचा ही नहीं। हाँ कभी कभी महसूस करता था कि कोई मेरा साथी हो जिसके साथ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, और उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर आई थी। किसकी? बता दूं? सिर्फ तुम्हारी। अब मत कहना मुझसे मैं रोमांटिक नहीं हूं, मैं बहुत रोमांटिक हूं। कह रही थी कि डॉक्टर ने थेरेपी के लिए कहा? अभी नहीं अम्मा, अभी 15 रोज बाद एक चेकअप होगा, फिर वो बताएगा कि फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट करनी है। चलो अच्छा है, थेरेपी के बाद बहुत बेहतरी आ जाएगी। कम से कम बगैर सहारे के उठने बैठने के काबिल हो जाए तो फिर फिजियोथेरेपी भी हो सकेगी। अभी तो डॉक्टर ने बिल्कुल मूवमेंट के लिए मना किया अम्मा। चलो अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। दरअसल मैं तुम लोगों को एक बात बताने आई थी। जी अम्मा बोलें। भाई मैंने महा की शादी का फैसला कर लिया। माशाल्लाह
ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मा, कोई रिश्ता मिला है क्या? अरे रिश्ते तो उस बेचारी के कई दफा हैं, शादी भी तय हो गई है, लेकिन नसीब में ही ऐसी शक्ति है उसकी। बात नसीब की नहीं है जरीना, बात अल्लाह की आजमाइश की। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची आजमाइश पर पूरी उतरी, बस इंशाल्लाह अब उसके नसीब में खुशियां ही खुशियां लिखी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माँ, जरूर। अम्मा ये तो बताएं रिश्ता आया कहाँ से है? अरे रिश्ता तो घर में ही मौजूद है। घर में कौन? अरे अपना मन्नू। मन्नू? अम्मा अचानक मन्नू में कौन से ऐसे लाल जड़ गए? अरे मैंने तो मन्नू के लिए जब आपसे बात की आपने और महा ने हमेशा इनकार कर दिया, फिर अचानक। देखो जरीना हर काम का वक्त मुकर्रर है, बस अब अल्लाह का हुक्म हुआ तो तय हो गया रिश्ता। अम्मा खुशी की बात है ये, बस आप बिस्मिल्लाह करें। शुक्र है मेरे मौला का। आज मुझे अपने दिल की बात कहने दो। हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं।